फर्स्ट ऑडिशन राउंड के बाद चुने हुए टॉप 30 कंटेस्टेंट्स आज अपने शहरों से आ चुके हैं मुंबई फाइनल ऑडिशन राउंड के लिए और देश भर से तलाश कर लाए इन टॉप 30 बच्चों को अब तराशने का काम करेंगे हमारे कैप्टन्स। सुपरस्टार सिंगर 2 एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट की तरह है जहाँ पे मैं साइशा का एडमिशन कराने आई हूँ और आगे के लिए इसके फ्यूचर के लिए यहाँ से ये बहुत कुछ सीख कर जाएगी। यहाँ पे जो कैप्टन्स है वो पर्सनली आके बच्चों को सिखा रहे हैं गाने की फील और गाने के सुर और प्यारा, उसको ऐसे खोलना नहीं है, प्यारा कह रहे हो ना तो प्यार से कहोगे। ऋतुराज, इसको डिक्शन, उसके हिंदी वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए, उस पर ध्यान दिया गया है। जो कैप्टन लोगों ने अपने लाइफ में सीखा है वो अभी हमारे बच्चों को वो लोग सिखाएंगे, इससे मैं तो बहुत खुश हूँ। समारा जो है वो थोड़ी सी मतलब नर्वस हो जाती है, तो मैंने जितना हो सके उसको समझाया है कि नर्वस मत होना, कॉन्फिडेंट रहना। तुम ये आलाप ले रहे हो ना, हाँ। तो कोशिश करो कि थोड़ा सा उसमें विब्राटो आए, है ना? हाँ। अभी सीखना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी वो सीखेंगे तो आगे जाके लाइफ में वो जीत पाएंगे। तो शुरू किया जाए एचआर अलका जी? Let's start. Yes, of course. Absolutely. आइए आइए, पहले एक कंटेस्टेंट आ जाइए प्लीज। मेरा नाम स्माइरा महाजन है और मैं बटाला पंजाब से। मेरा जो ऑडिशन था तब मैं थोड़ा नर्वस थी क्योंकि मैं पहली बार इतने बड़े स्टेज पे गई थी। आपकी नजर। हेलो समायरा। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुमको जब सर्टिफिकेट मिला था ऑडिशन में पहले, उसके बाद क्या किया? जब मैं घर गई तो मैंने सबको बताया कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। उन्होंने मुझे विश किया और आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद दी? तुम खुश, बहुत खुश थी उस दिन? हाँ जी। आज क्या गाने वाली हो? किस लिए मैंने प्यार किया। किस लिए मैंने प्यार किया, बहुत अच्छा गाना है। तो तुमको किसने ट्रेन किया बेटा इस गाने के लिए जो गाने वाली हो? मैम समायरा को मैंने ट्रेन किया है। तुमने किया है? जी मैम। जो फर्स्ट वर्ड है ना वो देखो लता जी ने कैसे बोला, किस लिए मैंने प्यार किया। मुझे लगता है कि समायरा इस शो की खोज है क्योंकि मैम इसने ना टीवी पे देख देख के सुन सुन के गाना सीखा है। एक छोटी सी कमी है उसकी, जो है वो है वो जो बैक स्टेज में जितनी कॉन्फिडेंस के साथ गाती है वो ऑन स्टेज आके थोड़ा सा घबरा जाती है। इसलिए मैंने प्यार किया। तो मैंने सोचा कि कोई स्टेज पे लेके जाते हैं, तो मुझे इनवाइट किया था कपिल शर्मा शो में, तो मैं उसको वहाँ लेके गई। मैं आपको एक झलक दिखाना चाहती हूँ टीवी पे। मैं समायरा को द कपिल शर्मा शो पे इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि उसका जो डर है वो चला जाए और जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम बढ़ जाए। ऑडियंस के सामने एक बार उसको गाने को बोला मैंने ताकि उसको थोड़ा सा डर कम लगे और उस थोड़ा सा यूज टू हो जाए ताकि फाइनल ऑडिशन में उसको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैं उसको यहाँ लेके आई। अरुणिता दीदी ने मुझे बोला कि जब आप स्टेज पे गाओगे तो आप ऐसा सोचना कि आप घर पे जैसे मम्मा पापा के सामने गाते हो, आप घर पे बैठे हो और आप गाना गा रहे हो।
कांग्रेचुलेशंस, तुम यार कमाल गाती हो यार। झांके खिड़की खुलने को बोलो तो। तुम लोग सो रही हो, मैंने कहा था ना मुझे अब तुमसे डर लग रहा है। रबड़ी, रसगुल्ला, शहद, गुलाब जामुन, चमचम, कलाकंद, जलेबी, गाजर का हलवा, बादाम का हलवा, सूजी का हलवा, दुनिया भर का हलवा, ये भी अगर सब मिला देना तो भी उतना मीठा नहीं होता जितने तुम्हारे गाना। धूप गिरी है धीमी आँच पे, ओस गिरी है तेरे कांच पे, उंगली से कुछ कुछ है ये कहती। जब ये गा रही थी ना तो पापा एक एक लाइन गा रहे थे साथ में, और he was so connected with the singing, another level। और ये बाप बेटी का जो रिश्ता है ना, कोई अलग लेवल का इनका कनेक्ट है। डिवाइन डिवाइन डिवाइन, दिव्यता दिव्यता दिव्यता, सर आउटस्टैंडिंग है। पापा जी आप ही पहनाइए अपनी प्यारी सी बेटी को। माय स्वीट स्वीट स्वीट, रुक मोड़ दे अब तो खोल दे जिंदगी, वो अब खुल जा रे खुल जा रे खुल भी जाना। खुशी क्या सो खुशी क्या, मिल गया। खुल जा रे खुल भी जाना फिर। मैं बहुत गुस्सा हूँ एचआर सर की वजह से। क्यों, एचआर सर ने क्या किया? एचआर सर ने झूठा इंसान लगाया, वो भी बैन में। मैंने झूठा इंसान लगाया, अब मैं एचआर सर से बदला लूंगी। सब लोगों का बेस्ट फ्रेंड होता है, पर मेरा बेस्ट एनिमी है एचआर सर। पिछले हफ्ते सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 के शुभारंभ में बच्चों की प्रतिभा देखकर पूरे देश को लगा कि उम्र में भले ही ये सब बच्चे हैं, पर सब के सब हैं सिंगिंग के दादा दादी। और इन्हीं में थी एक दादा पोते की जोड़ी, जिनके रिश्ते ने पूरे देश को एक अटूट बंधन में बांध दिया। लेकिन आदित्य का बच्चों के साथ अलग ही टाइम पास चल रहा है। हाय हाय, व्हाट्स अप? अच्छा, ये जो डब्बा देख रहे हैं आप अंदर, इसमें $50 हैं। सच्ची में? सच्ची में। लेकिन ये जीतने के लिए ना आपको कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, ठीक है? आपकी बहन है, बड़ी छोटी है? छोटी, एक साल की। एक साल की? जी 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 जी। क्या आपके पापा गुस्सा करता है? क्या गुस्सा करते हैं? मम्मी तो मुझे गाल रेड रेड कर देती है, और डैडी की गाल आपकी और डैडी की रेड रेड कर देती। पापा का सीक्रेट बताओ। पापा का सीक्रेट? हाँ।
वो क्या है मतलब मम्मी तब किचन में काम करती है हाँ। तो पापा जो है मम्मी का फोन लेके इसे चेक करते हैं। थोड़ा टेम्पो थोड़ा ज्यादा है। तुमने जो टाइम पे सुर चूकते ही जो बोला टेम्पो, म्यूजिशियंस पे पूरा बिल पार दिया तुमने। लेकिन इस मिसअंडरस्टैंडिंग ने ले लिया एक नई दुश्मनी का रूप। क्या हुआ? मैं बहुत गुस्सा हूँ एचआर सर के वजह से। क्यों? एचआर सर ने क्या किया? एचआर सर ने झूठा इल्जाम लगाया, वो भी बैन में मैंने झूठा इल्जाम लगाया। अब मैं चाचा से बदला लूंगा। सब लोगों का बेस्ट फ्रेंड होता है पर मेरा बेस्ट एनिमी है चाचा। अचुराज कैसे हो? अच्छा हूँ। मैं आपसे बात कह सकता हूँ? कहिए कहिए। क्या मैम से आप कौन सा राजा का माला पहनते हो? इतना बड़ा माला कौन सा राजा का है? बताती हूँ तुमको मैं कौन सा राजा का माला पहनती हूँ। छड़ी आने वाली मेरी अभी। ऋतुराज तुमने बाहर मेरे पोस्टर को टंगड़ी मारी? दुश्मनी मोल ली तुमने शुरू शुरू में? और तुमने कहा कि सबके दोस्त होते हैं और मैं तुम्हारा दुश्मन हूं क्योंकि मैंने सच बोला। अरे मैंने तो तुझे बचाया रे, मैंने तो तेरी गलती को सुधारा। मेरा प्यार ना बिसराना। जब थोड़ा टेम्पो थोड़ा ज्यादा है। तुमने जो टाइम पे सुर चूकते ही जो बोला टेम्पो, म्यूजिशियंस पे पूरा बिल पार दिया तुमने। तो तुमने मुझे दुश्मन बना दिया। लोग क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं? मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं बेटा, अभी दुश्मनी से दोस्ती करोगे? नहीं बेटा, मैं आ रहा हूं तुम्हारे साथ दोस्ती करने। नहीं। सब लोगों का बेस्ट फ्रेंड है पर मेरा एनिमी है। फिनाले से पहले मैं तुम्हारी दोस्ती जीत के रहूंगा दुश्मन। आपके वजह से मेरे दोस्त सब मेरे को झूठा बोल रहे हैं और अच्छा, बैंड के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया ये बोल रहे हैं। पहले ऑडिशन में मेरे को सर्टिफिकेट दिया, वो भी झूठा बोल रहे हैं। कौन? तुम्हारा दोस्त? सब लोग तुम्हें झूठा कह रहे हैं? हाँ। तो प्रूफ कर दो तुम सच्चे हो, प्रूफ कर दो अपनी सिंगिंग से। तुम आज क्या गाने वाले हो? गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा। उसमें कौन से टेम्पो की चोरी करने वाले हो? किसका भी टेम्पो नहीं चोरी करने वाला। किसको झुकाने वाले हो? आपको। अच्छा मुझे एक बात बताइए, किसने ट्रेन किया है आपको? पवनदीप पाई ने। सर मैंने ही नहीं, सबने कोशिश करी पर कोई कर नहीं पाया। तो मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया था, बहुत भागता है। तो ऋतुराज के बारे में बताना चाहूंगा कि बहुत सुपर टैलेंटेड सिंगर हैं सर। हाँ जी। गाने की फील और गाने के सुर और प्यारा, उसको ऐसे खोलना नहीं है। प्यारा कह रहे हो ना, तो प्यार से कहोगे उसको। जितना अच्छा गाते हैं उतनी मस्ती भी करते हैं और इनकी गाने समझने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा है कि उनकी बारीकियाँ मतलब बहुत इतनी कम उम्र में पता नहीं चलती हैं सर कि हर साल एक नई मुर्गी सीख रहा हूँ एक गाने में। क्या बात? तो इनकी बहुत तेज है वो। तो मैंने सोचा कि पिछली बार इन्होंने सेमी क्लासिकल गाना गाया था सर। ओके। जब दीप जले आना ऑडिशंस में, तो अब चाहता हूँ कि बॉलीवुड सॉन्ग गाएँ, एक कमर्शियल सॉन्ग गाएँ जो कि है गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, जिसमें एक पहाड़ीपन भी है और एक बॉलीवुड की झलक भी है। हाँ, फोक रंग भी है। जी सर, एक फोकपन है। हाँ, और इसमें टेम्पो चूकने की ज्यादातर चांस कम है, है ना? सीखिया पहलवान, आज म्यूजिक रोकना नहीं है, जो भी है ऐसे ही गाना। ओके। Mm-hmm.
से तुम्हारे लिए वाह की फूलों का गहना दूं यही कर अपना बना लिए को। किसी ने नोटिस नहीं किया, सिर्फ मैंने नोटिस किया, तुमने सीधा मुझे देखा कि छुट्टी कर दी ना तेरी बचा। प्लीज हाथ मिला ले मेरे भाई, प्लीज मेरे बच्चा, मेरा प्यारू, मेरा क्यूटी पाई, मेरा स्वीटी, प्लीज हाथ मिला ले। नहीं। अब मैं अगर तुम्हें बता दूं कि मेरे पास तुम्हारा मोबाइल है, तुम्हें बहुत प्यारा है ना तुम्हारा मोबाइल, तो मैं तुम्हें दे रहा हूं आज मोबाइल चॉकलेट के साथ। चल आजा, आजा सुपर सुपर सिंगर, यू आर अ सुपर स्टार। लेकिन ये किसी से मतलब नहीं रखता है, सिर्फ स्कूल जाता है और सीधा अपने घर आता है। यार मम्मी ने बोला था चक्कर ना चलेयो, मैरिज अरेंज कर सिंपल बोलेयो। मेरा ड्रीम ये है कि मैं एक बहुत बड़ा सिंगर बनूं, नॉट ओनली प्लेबैक, मैं खुद भी मतलब उनमें लीड रोल प्ले करूं और खुद की मूवीज में भी आऊं, ये भी मेरा सपना है। जो मेरा फर्स्ट ऑडिशन था वो बहुत यादगार है क्योंकि उस दिन मैंने गिटार बजा के गाया था, सेम यूनिफॉर्म में गाया था। क्या बात है, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा और सारे कैप्टन्स भी आ गए थे स्टेज पर और हिमेश सर ने मुझे एक ब्रेक दिया है। अब उस चीज़ की वजह से ना मुझ पर प्रेशर और बढ़ गया है क्योंकि लोगों को मुझसे उम्मीद है, होप्स बहुत बढ़ गई हैं, तो मुझे उस पर खरा उतरना है। नमस्ते जजेस, नमस्ते कैप्टन्स। क्या स्टाइल है, बाल वाल एकदम झटक के। हमारा जो फैज है वो एक चॉकलेट बॉय है। दीवाना है देखो बेकरार हो, संभालो संभालो ना प्यार हो। बिल्कुल चॉकलेट बॉय तुम्हारे लिए ना, मुझे लगता है कि फैज नाम हटाकर मैं तो तुम्हें कहूंगा चॉकलेट। You are India's chocolate boy. Thank you so much, sir. Favorite. अच्छा फैज, जब आपको सर्टिफिकेट मिला उसके बाद में सहेलियां खुश थी? जी सर, बहुत खुश थे वो भी। स्कूल में भी सब मेरे फ्रेंड्स जो भी है सब खुश थे। जैसे फेयरवेल में सब टी शर्ट पर कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स देते हैं या कुछ लिखते हैं, तो वैसे ही मेरे स्कूल के फ्रेंड्स ने भी अपनी ब्लेसिंग्स मेरे साथ भेजी है। वाह, मेरे शर्ट पर भेजी है, मतलब देख सकते हैं हम लोग? बिल्कुल सर। वाओ वाओ, पीछे भी है।
दोस्तों के इन विशेष ने मुझे बहुत हिम्मत दे दी और मुझे आज इन विशेष की जरूरत इसलिए थी क्योंकि अरुणिता दीदी ने मुझे एक टास्क दिया है, वो काफी चैलेंजिंग है मेरे लिए क्योंकि पवनदीप भैया का जो ऑडिशन में उन्होंने गाना गाया था शायद वो मुझे रिक्रिएट करना है। कुछ अलग तरीके से ट्राई करेंगे और धमाल वाला कभी ना कह सकूं मैं तुमको तुमको। आई होप आप सबको और हमारे कैप्टन पवनदीप को ये बहुत अच्छा लगेगा। वाओ। शायद जब पवनदीप ने गाया था जी तो आज भी मुझे वो तारीख याद है 28 नवंबर 2020 इंडियन आइडल के उस परफॉर्मेंस से हिंदुस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा सितारा मिला था और वो है पवनदीप। और यही वो सेट था और यही वो कोना था, ये लेफ्ट में आई कैन स्टिल विजुलाइज पवनदीप वॉज प्लेइंग द पियानो। जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं। मुझे लगता है इतिहास दोबारा रिपीट होगा। तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। अच्छा तुम पियानो बजाते हो? जी मैम, मैं भी पवन भैया की जैसे कोशिश करता हूँ कि मैं सब बजा पाऊँ। Wow. लेकिन बजा के गाओगे? बिल्कुल। ओके गुड, कम ऑन। शायद कभी ना कह सकूं मैं तुमको कहे बिना, समझ लो तुम शायद शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम शायद। जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं। ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं। ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। चाहत कसम नहीं है कोई रस्म नहीं है, दिल का वहम नहीं है, पाना है तुमको ख्वाबों में गाँव जिसका, रस्ता नाम जिसका, चाहत है नाम जिसका, पाना है तुमको वो तुम जहाँ मिलेंगे हम वही, ओ तुम जहाँ मिलेंगे हम वही। ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, जो तुम चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। थैंक यू सो मच। Historic. Thank you. Fantabulous. ये गोल्ड मेडल तुम्हें इतनी डिफिकल्ट चैलेंज की वजह से दिया जा रहा है।
सबसे डिफिकल्ट राउंड में तुमने वो करके दिखाया है जो नामुमकिन था, बिकॉज पवनदीप ने बड़ों का इंडियन आइडल में ये गाना गाकर लाइव परफॉर्मेंस जब दिया था तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। तुमने बच्चों के सीजन में आकर इतनी सी कम उम्र में ये लेवल का परफॉर्मेंस दिया, चाहत कसम नहीं है, कोई रस्म नहीं है, दिल का वहम नहीं है, पाना है तुमको। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम, शायद शायद मेरे ख्यालों में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद वाह जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। थैंक यू सर। हाल लिखे सहे जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गई हो, ओ ओ यूं ही फिसल गए आ आ आ। हाल लिखे सहे जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गई हो, ओ ओ यूं तो फिसल गए आ आ आ। तुम्हें कौन से गेम्स अच्छे लगते हैं? आम मिला शीला शाला, आम मिला शीला शाला, कच्चा लगा रेस लगा लो, एक पत्ता कच्चा। जजेस को बच्चों ने परेशान कर दिया। कभी भी गाना नहीं गाया और गा ही नहीं सकता। रोहन को सब छोटा किशोर कुमार बोलते हैं। आईने के सामने खड़े होके ऐसे ही करता रहता है और उसको भी लगता है कि मैं उनके जैसा ही करूंगा। बाबू समझो इशारे और पुकारे, बम बम बम।
प्राउड ही लगता है। रोहन। हाँ। कैसे हो? अच्छा हूँ। वही टोन में बात करोगे जैसे मैं बात करूंगा? ओके। हाय रोहन। हाय रोहन। रोहन क्या है? रोहन 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 क्या है? क्या है? क्या है? रोहन बाय 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 बाय। जहां इस झुलसती गर्मी में हमारे हाईटेक एयर कंडीशन स्टूडियो में इतनी मौज मस्ती, इतना गाना बजाना अपने शबाब पर है, वहीं इस फिल्म सिटी की चकाचौंध जिंदगी से सिर्फ 100 फीट दूर बाहर की जिंदगी इतनी आसान नहीं है। धूप, मेहनत और संघर्ष से भरी जिंदगी है यहाँ रहने वाले कई लोगों की, और कई लोगों के लिए मुंबई की गलियों से माया नगरी तक का सफर बहुत लंबा हो जाता है। 20-22 साल मुझे इंडस्ट्री में हो गया, मैं बजा रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई पहचान नहीं मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं विरार से अंधेरी जो ट्रैवल करता था काम की वजह से, तो वो टाइम पे किसी का ध्यान भी नहीं रहता था कौन बंदा अपने आसपास बैठा है या जा रहा है वगैरह वगैरह। तो उसमें ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी ने मुझे पहचाना है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि विश्वजा का पहला एपिसोड हुआ है और जिसमें मैंने बजा है तो लोग मुझे पहचानने लगे हैं। बहुत बार मैं देखता हूँ ट्रेन में कि लोग वीडियोस देख रही है सुपरस्टार सिंगर के, उसमें विश्वजा है, मैं हूँ, मैं दिखाई दे रहा हूँ। और कभी कभी ऐसे होता है कि कोई बंदा ऐसे दूर से देख के बता क्या ये विश्वजा का पापा है, वो भी बजाते वगैरह, तो बहुत अच्छा लगता है। इतने सालों से मैं अंधेरी विरार विरार अंधेरी ये जो ट्रैवल कर रहा हूँ, 1.5 घंटे की जो जर्नी थी वो मुझे बहुत ज़्यादा लगती थी, लेकिन आजकल मुझे मज़ा आता है कि लोग देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, मेरे साथ सेल्फी निकाल रहे हैं, मेरा ऑटोग्राफ ले रहे हैं। तो ये जो पहचान मुझे मिली है सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 की वजह से और मेरी विश्वजा की वजह से, क्या बात है, सब लोग आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत पहचानने लगे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है सर। कुछ उम्मीद ही नहीं बचती थी, मतलब ट्रेन से जा रहा हूँ आ रहा हूँ, वो भीड़ में मैं कहीं खो गया था शायद, लेकिन अभी ऐसे लग रहा है ना कि लोग पहचानते हैं, सेल्फी निकालते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, तो वो सेलिब्रिटी फील आ गया है थोड़ा बच्ची की वजह से, लेकिन बहुत अच्छा लगा सच में सर। आज का राउंड सबसे कठिन है, यू नो, बिकॉज कहीं ना कहीं आज टॉप 15 सिलेक्ट होने वाले हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट चैलेंजिंग राउंड एंड आई होप दैट तुम और अच्छा करो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। विश्वजा, आपने अपने पापा को कितना प्राउड फील कराया है ये आज दिख रहा है, ऐसे खड़े हैं सीना तान के, एकदम फ्रेश लग रहे हैं, खुश बाँछें खिली हुई हैं उनकी। मुझे इतना अच्छा लगता है तुम दोनों को देखकर, मुझे अपने पापा याद आते हैं, बिकॉज मैं भी पापा के बहुत क्लोज थी अपने। उनके चेहरे पर भी वो गर्व और वो तेज होता था जब मैं गाती थी, और मेरे वो हीरो थे हमेशा जैसे होते हैं। हाँ, आप बैंड में नहीं, आपको मिस कर रहे थे हम। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ है ना, अभी बचपन से जब ये छोटी थी तब से ही स्कूल का कोई भी फंक्शन हो या फिर कोई मीटिंग हो या फिर ओपन हाउस हो, तो ऐसे कभी नहीं हुआ कि मैंने वो अटेंड किया है, क्योंकि क्या म्यूजिशियन का लाइफ आप सभी को मैं पता समझती हूँ, मैं समझती हूँ। आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, हमारी विश्वजा के लिए बहुत बड़ा दिन है, तो एक दिन तो छुट्टी निकाल के इसके लिए मैं आ जाऊँ। आपने बहुत सारी जीवन काम किया है, करते रहेंगे हमेशा, लेकिन विश्वजा के लिए जितना टाइम निकाल सकें आप प्लीज निकालिए, क्योंकि उसको जरूरत है आपकी जी, इस वक्त बिल्कुल। She needs all the strength और all the best। Thank you so much। दादा, yes, thank you लीजिए। Thank you sir।
साठी कवा कुट कस जीव झाला येडा पैसा त्याचा नाही भर वसा तोले ना राखले की मर्जी तुमच्या performances Thank I've you, heard sir. On this song. Competition बहुत tough है. सबको सुन के फिर हम decide करेंगे. लेकिन आप relax करिए. इंशाल्लाह सब अच्छा होगा. Thank you so much, sir. अब final audition में अब कौन आ रहा है या कौन आ रही है? आ जाओ please. मेरा नाम समृद्धि सेन है और मेरी एज 8 years है और मैं किश्तवाड़ में रहती हूँ. किश्तवाड़ बहुत खूबसूरत जगह है. हमें सुपरस्टार सिंगर में सिंगिंग का कल हमारी समृद्धि सेन के रूप में हमारी छोटी तानसेन मिल जाए. वाह
क्या बात है। बहुत मुश्किल है गाने के साथ में हारमोनियम सेम टू सेम बजाना, और आपका हारमोनियम लाजवाब है, आप गाती भी लाजवाब है। बहुत अच्छा लगा हमें आपका गाना, लेकिन आपको थोड़ा जो परिणाम है इसका, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। यस सर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस, कीप शाइनिंग, थैंक यू। पिछले हफ्ते आपकी मुलाकात हुई उस वर्ल्ड फेमस शेफ से जिनका इंतजार फूड लवर्स ही नहीं पूरी दुनिया कर रही है। कहते हैं जो भी कहो, तुम भी पे कर टैंगो। बना के खिलाने की बड़ी बात नहीं है, किचन का किचन जो हालत करता है वो, फिर वो दो घंटे साफ करने में लगता है। मुझे लगता है बेटा तू बैठ जा, मैं ही बना दूँ। ये है पटाखे कर रहे धमाके, देखे जो भी मारे तालियां। जैसे कोई बाहर वाले बोलते हैं आप किससे लकी हो, आपको बच्चा इतना अच्छा आता है, मैं सोचती हूँ एक घंटा रख के देखो पता चलेगा। आजो 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 चख लो। तो बेटा ये लाए क्या हो, ये बताओ। मिर्ची का हलवा लाया हूँ। मिर्ची का हलवा? मिर्ची का हलवा? बैंगन का हलवा है ये। बैंगन का हलवा? प्रत्यूष ने अपने खाने के साथ साथ अपने गाने से भी जीता सबका दिल। आवाज दिल से निकल रही थी, सीधे मेरे दिल को जाती। देखते हैं आज हमारे शेफ प्रत्यूष क्या लाए हैं। आज मेन्यू में क्या है शेफ? आज मैं जजेस के लिए स्पेशल केक लेकर आया हूं। और मेरे लिए? आपके लिए भी है। मेरे लिए भी है, पर जजेस ज्यादा, पर सिलेक्शन मेरे हाथ में नहीं है, इसीलिए मुझे नहीं दोगे? हाँ, ऐसा है। में मैं देख रहा था कि आप बड़ी बदमाशियां कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा ऊर्जा थी आप में। आज आप बड़े सहमे सहमे से लग रहे हो, क्या नर्वस है क्या? आज फाइनल ऑडिशन है तो थोड़ा सा मतलब नर्वसनेस हो रही है। नर्वसनेस हो रहा है? हाँ। क्यों, ऐसा लग रहा है कि होगा नहीं? हाँ। होगा ऐसा? पर आप तो टैलेंटेड हो, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? इस बार फाइनल ऑडिशन में जो कंटेस्टेंट्स हैं वो बहुत अलग अलग गाने गा रहे हैं, तो मैंने भी इस बार सोचा है कि मैं भी बहुत अलग सा, बहुत ही यूनिक सा गाना चुनूंगा लता जी का। और सबसे मेन बात यह है कि ये फीमेल ओरिएंटेड गाना है और ये मैं गा रहा हूँ, तो थोड़ी थोड़ी मुश्किल आ रही है, पर मैं वो कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ।
तुम में ना एक बहुत सच्चाई है गाने में, और तुम जैसे गाते हो ना एकदम सुरीला, और तुम्हारी जो आवाज़ है ये इतनी यूनिक है ना, किसी की ऐसी आवाज़ नहीं है, मैंने अब तक किसी की आवाज़ ऐसा नहीं सुना। मुझे इसकी आवाज़ भी बहुत पसंद है, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये काश मेरे पास आ जाए, तो इसलिए मैं इसको ट्रेन करने का कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा बहुत दिल से पसंद आता है। ऑडिशन में मैंने गाया था तो लोगों को पसंद आया था, तो होपफुली इस बार भी शायद पसंद आया था। हम उत्सुक हैं आपको सुनने। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। क्या बात है, ये सब जो गाने हैं ना, इस तरह के गाने कोई ज़्यादा गाता नहीं है मंच पर। कंटेस्टेंट्स भी जो रियलिटी शोज होते हैं ना, वो कुछ ही गाने हैं जो चूज़ करके गाते हैं, पुराने दीदी के जो गाने हैं, बहुत ही खूबसूरत गाने हैं, और इतना अच्छा लग रहा है ये सब गाने सुनकर, क्योंकि इट्स कम लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर कि कोई इस ये गाने भी स्टेज पर गा रहा है, वो भी छोटा सा लड़का। थैंक यू। ऐसे एक एक नगीने निकाल निकाल के गाना कुछ सुनाना जी। और मुझे आशा है कि तुम आगे जाओगे जरूर। Yes. बहुत मीठा गाते हो, बहुत प्यारा गाते हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।